जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इसके शूटिंग लोकेशन में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से एक नई फिल्म की लोकेशन दिखाने वाला हूँ। बात करें फिल्म की तो फिल्म का नाम है सुहाग, जो कि 1989 में रिलीज हुई थी। अजय देवगन अक्षय कुमार वाली सुहाग नहीं है भाई, ये है अमिताभ बच्चन और शशि कपूर। इसमें कुछ जो सीन है इसका मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं यहाँ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम जिस जगह पे हैं उस जगह का नाम है माउंट मेरी चर्च। जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ना, ये है माउंट मेरी चर्च और ये जो पड़ता है ना, ये बांद्रा वेस्ट में पड़ता है। और माउंट मेरी चर्च से आप 100-200 मीटर आगे जाएंगे तो आपको शाहरुख खान का घर भी पड़ जाएगा, मन्नत, जो कि आजकल जवान फिल्म में खूब ट्रेंड में छाया हुआ है। कुछ जो सीन है वो बाकी रह गया था मेरे फर्स्ट वाले पार्ट में, क्योंकि वो जो सीन है वो लिया गया था ग्रांट रोड में और अभी हम हैं बांद्रा में। तो यहाँ पे क्या क्या सीन है वो सारा सीन आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों फिल्म के अंदर एक सीन जो है यहाँ से दिखाया जाता है, जिसमें आप लोग देखेंगे ना जब अमिताभ बच्चन और शशि कपूर आते हैं ना बाइक से, तो उनको साइड लगता है कार से, तो ये जो गेट दिख रहा है इस गेट के रास्ते से वो इन सीढ़ी से नीचे चले आते हैं। तो आप लोग स्क्रीन शॉट के अंदर देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, जिसमें आप लोग ये सीढ़ी को देख सकते हैं। और ये जो कटहल का दो पेड़ दिख रहा है ना, ये उसी टाइम का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ हो गया। और पीछे ये चर्च का जो दीवार दिख रहा है, ये दीवार भी देख सकते हैं, बाकी इन चीज़ को देख सकते हैं। ये सीढ़ी आप लोग देख सकते हैं, उसी टाइम की सीढ़ी है। इसकी पूरी की पूरी डिज़ाइन जो है जिस तरह फिल्म में दिखाया गया था उसी तरीके से अभी भी स्थित है। तो एक जो सीन है फिल्म के अंदर यहाँ से दिखाया जाता है। दोस्तों एक सीन को यहाँ से दिखाया जाता है, जिसमें आप लोग देखेंगे ये जो सामने क्रॉस दिख रहा है, ये क्रॉस दिखाई पड़ता है। हालांकि उस समय ये जो ऊपर पत्रा वगैरह लगा है ये पत्रा नहीं रहता है, खाली क्रॉस ही रहता है। ये जो मूर्ति स्टेचू लगा है ये भी नहीं रहता है, तो खाली क्रॉस ही लगा रहता है। और सामने जो सीढ़ी है, इसी सीढ़ी के ऊपर अमिताभ बच्चन और शशि कपूर दोनों बाइक लेके आते रहते हैं। आप लोग स्क्रीन शॉट में लगा दे रहा हूँ, मैच कर लीजिए। हालांकि ये सीन को थोड़ा सा ऊपर करके दिखाया गया था, लेकिन मैं यहाँ से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को क्रॉस दिखे, क्योंकि कपड़ा लगा दिया चारों तरफ। और यहाँ आगे चलेंगे फिर आप लोग को अच्छे से समझाते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से सीन दिखाई पड़ता है, जिसमें आप लोग ये सीढ़ी वगैरह देख सकते हैं। ये डिज़ाइन दिख रहा है, इस डिज़ाइन को आप लोग देख सकते हैं। और पीछे ये घर दिख रहा है, ये वाला, ये घर को आप लोग देख सकते हैं। और उस समय ना यहाँ पे एक इमली का पेड़ का पत्ता दिख रहा था, ये देखिए ये आज भी इमली का पेड़ का पत्ता है। तो कुछ इस तरीके से सीन दिखाई पड़ता है, जिसमें आप लोग देखेंगे ये सीढ़ी रहती है, इन्हीं सीढ़ी के ऊपर से अमिताभ बच्चन और शशि कपूर बाइक से आते हैं। दोस्तों एक सीन को यहाँ से दिखाया जाता है, जिसमें आप लोग देखेंगे यहाँ से वो बाइक लेके ऐसे आते हैं जंप कराते हुए, तो कुछ इस तरीके से सीन लिया जाता है। स्क्रीन शॉट में लगा दिया हूँ, आप लोग मैच कर सकते हैं। तो यहाँ से अमिताभ बच्चन और शशि कपूर दोनों यहाँ से बाइक लेके आते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्कूली बच्चे रहते हैं जो इधर ऊपर को जाते रहते हैं। उसके बाद ये बाइक यहाँ से ऐसे जंप कराते हैं, फिर यहाँ पर फिसल जाती है उनके बाइक, फिर यहाँ से वो इस जगह पर जाके गिर जाते हैं। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर दोनों यहाँ पर गिर जाते हैं और अमिताभ बच्चन का हाथ में जो है चोट आ जाती है, वो बोलते हैं मेरा हाथ टूट गया, अब मैं बाइक नहीं चला पाऊंगा। तो आप लोग अगर स्क्रीन शॉट के माध्यम से देखेंगे ना तो ये जो चीज़ दिख रहा है ना, ये बिल्कुल अभी भी उसी प्रकार से है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ इसमें जो है ना उस समय पत्थर लगा हुआ था और अभी कलर मार दिया गया, बस इतना सा चेंज है, बाकी पूरा का पूरा चीज़ आप लोग देख सकते हैं। और इधर का जो ये दीवार है, इस दीवार को आप लोग मैच कर सकते हैं उसी प्रकार से। और इधर पीछे आपको स्क्रीन शॉट में घर दिखाई पड़ रहा है, जो खपड़ेल और पतरे का घर था उस समय, आज के करीब 50-48 साल पहले। अभी तो यहाँ पे आरसीसी बिल्डिंग बन गई है, ये देख सकते हैं। और उसके बाद वो लोग यहाँ पे ना खड़े होते हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, जिसमें ये क्रॉस जो है, ये क्रॉस दिखाई पड़ेगा पीछे उनके। तो वो लोग बात करते हैं, फिर शशि कपूर यहाँ से बाइक चलाता है और अमिताभ बच्चन पीछे बैठते हैं। दोस्तों आज है दूसरा दिन, दूसरा दिन इसलिए है क्योंकि उस दिन जब मैं आया था तो यहाँ पे वीडियो नहीं बना पाया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसकी वजह से वीडियो यहाँ की नहीं बन पाई थी। हालांकि लोकेशन जो है पास में है, यहाँ तक मैं आया भी था, लेकिन वीडियो नहीं बन पाई थी, थोड़ी सी कुछ दिक्कत थी। तो चलिए आप लोग को आगे की वो सीन दिखाता हूँ। दोस्तों फिल्म के अंदर एक सीन यहाँ से दिखाया जाता है, जिसमें आप लोग देखेंगे
यहाँ सामने से अमजद खान उनकी माता को बैठा के कार में इस सामने से आते रहते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, जिसमें आप लोग को ये जो लाइट का बॉक्स है ये दिखाई पड़ेगा और एक पेड़ है पीपल का, ये पेड़ दिखाई पड़ेगा और आप लोग को पास में बिल्डिंग दिखाई पड़ रही, हालांकि ये वाली बिल्डिंग नहीं दिख रही थी, ये वाली बिल्डिंग दिख रही थी इधर जो है, ये आपको जो निकला हुआ भाग दिखाई पड़ रहा है, ये आप देख सकते हैं उस समय जो निकला हुआ भाग है उसको रेड किया गया था, तो आप लोग स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं। और ये दीवार आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, ये दीवार दिखाई पड़ता है, तो कार जो होती है यहाँ से ऐसे आती है और इधर ऐसे जाती है, तो चलिए वहाँ पे आगे चलते हैं, वहाँ का सीन दिखाते हैं। तो अगले सीन को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, जैसे ये कार जा रही है और यहाँ से रिक्शा आ रहा है, तो ऐसे ही अमजद खान की गाड़ी वहाँ से आती है और इधर से कार जाती है और दोनों में टक्कर हो जाती है, तो कुछ इस तरीके से सीन दिखाई पड़ेगा। जब टक्कर हो जाती है तो वहाँ जैसे ये बस आ रही उधर से अमजद खान की गाड़ी आती रहती है और टक्कर होने के बाद वो इधर एक दीवाल बना रहता है, ये साइड यहाँ पे एक दीवाल बना रहता है और वो दीवाल को तोड़ के अंदर घुस जाती है, तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, जिसमें आप लोग देखेंगे ना ये टर्निंग पॉइंट को आप लोग स्क्रीनशॉट के अंदर देखेंगे, यहाँ से अमजद खान की गाड़ी आती रहती है जिसमें आप लोग देख सकते हैं, तो इस दीवाल को आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से, यहीं से उनकी गाड़ी यहाँ आती है टक्कर लगने के बाद और इधर फिर ऐसे आके ये दीवार जो रहती है बनी रहती है उस दीवार को तोड़ के गाड़ी अंदर घुस जाती है। बाद इस साइड से एक कार आती रहती है हरे कलर की, जिसको अमजद खान बंदूक दिखाते हैं और उनकी कार छीन लेते हैं और बैठ के इस साइड को इधर को निकल जाते हैं। उसके बाद फिर जो है अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर इधर से आ जाते हैं, ये जो रास्ता आप लोग को दिख रहा है इधर से ऐसे आ जाते हैं, तो आप लोग को दिखना पड़ेगा। तो ये जो दीवार दिख रहा है, दीवार की जो पत्थर है ना, ये पत्थर आप लोग देख सकते हैं उसी टाइम का है पत्थर, तो इस साइड से जब आते हैं तो अमिताभ बच्चन कहते हैं अरे गाड़ी रोक माँ के कार का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो जाके वहाँ पे अमिताभ बच्चन उतर के माँ को निकालते हैं, अपने माँ को, और उनकी माँ बोलती है बेटा मुझे छोड़ अपने पिताजी को बचा, तो कुछ इस प्रकार से सीन होता है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं ये ऊंचा वाला जो स्थान है इसको भी आप लोग देख सकते हैं, हालांकि रेलिंग जो है वो चेंज कर दिया गया है, बाकी बहुत कुछ यहाँ पे बदल गया है। ये जो गेट है इसी गेट के पास वो दीवार बनाया गया था, नकली दीवार जिसे फिल्म वाले बनाए रहते हैं, उसके बाद तोड़ते हैं फिर उसको हटा देते हैं, तो यहाँ से फिर अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर दोनों अपनी माँ को छोड़ते हैं और उसके बाद यहाँ से बाइक पर बैठ रहे हैं और बाइक से फिर इस साइड को निकलते हैं, ये साइड को निकलते हैं अपने पिताजी के पीछे, तो कुछ आप लोग को इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, जिसमें आप लोग को ये जो दीवार है ना ये उसी टाइम का दीवार है, ये दीवार आप लोग को दिखाई पड़ेगा स्क्रीनशॉट के अंदर, आप लोग स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं। तो यहाँ से वो बाइक से निकल जाते हैं, उसके बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट पर, जहाँ पर उनके पिता हेलीकॉप्टर से भागते हैं, तो वो लोग हेलीकॉप्टर को पकड़ते हैं। तो कुछ दोस्तों ये जो जगह है आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इस जगह पे बहुत कम ही सीन है जो मैच हो रहे हैं, बाकी बहुत सारे सीन जो हैं चेंज होंगे, जैसे कि ये टर्निंग पॉइंट तो मैच हो रहा है बराबर, इसके जो पत्थर वगैरह हैं वो मैच हो रहे हैं और ऊपर से जहाँ से अमजद खान की गाड़ी आती है वो भी मैच हो रहा है, जहाँ पर लाइट बॉक्स है और पेड़ है पीछे बिल्डिंग है और बहुत कुछ यहाँ पर जो है वो चेंज हो चुका है। तो फिलहाल जितना हो सका है इस वीडियो के अंदर वो मैच करके आप लोग को दिखाया हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, भाई बहुत कम लाइक आता है वीडियो पे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो यार। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।